हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक स्टडी इंडिया डॉ डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पता है इस चैनल पे रेगुलर आरआरवी जेईई सीवीटी 2 का क्लास चल रहा है। आप लोग के लगातार कमेंट आ रहा था, कमेंट को देखते हुए इंग्लिश में इन्वॉल्वमेंट का क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये दोस्तों इंग्लिश वर्जन का पार्ट 4 है, 3 पार्ट इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गया है। साथ साथ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इंग्लिश वर्जन का अपलोड करने लगे तो स्टूडेंट की तरफ से कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में क्वेश्चन अपलोड करें। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, 1 से 6 लेक्चर इस चैनल पे ऑलरेडी हिंदी लैंग्वेज और बाइलिंगुअल लैंग्वेज अपलोड हो चुका था, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन हिंदी वर्जन में मिल जाएगा। कुछ कमेंट ऐसा भी आ रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी वालों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत सोचें, ये चैनल आप लोग के लिए है। आप लोग के डिमांड के अनुसार इस चैनल पे सब कुछ कराया जाता है और यहाँ पे हम लोग दोनों लैंग्वेज को लेकर देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा, उसमें आपको दोनों लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। सो बेफिक्र होकर इस चैनल पे स्टडी कीजिए। चलिए मैं बता देना चाहता हूं आपको, देख सकते हैं आरआरबी जेई का 41वां लेक्चर है फ्रेंड्स, आरआरबी जेई का 41वां लेक्चर है और बेसिक ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल का 10वां लेक्चर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे ऑलरेडी 1 से 6 लेक्चर तक हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज इंजीनियर राहुल सर द्वारा प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। यही सब क्वेश्चन को हिंदी में उन्होंने अच्छे से समझा रखे हैं और एक मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट सीरियस हैं अपने करियर को लेकर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन हमारे तरफ से आपको पहुंच पाए, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलर प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है दोस्तों, जिससे आपका स्कोर पता चलता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कहाँ पे आपका प्रिपरेशन लाइज कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, आज का टारगेट 500 है दोस्तों, 500 प्लस टारगेट आप लोग पूरा करें, 500 प्लस टारगेट आज का लाइक का है और दोस्तों के साथ शेयर करने का कोशिश करें। चलिए हम लोग टाइम को कंज्यूम करते हुए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो हिंदी वाला स्टूडेंट है उनको मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, देखिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप मेरा कर्सर देख सकते हैं। बेसिक इन्वायरमेंटल का मास्टर क्लासेस मास्टर वीडियो यहाँ पे अपलोड है, इसे देख लें। ये सारा क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा जो आज का लेक्चर में हम लोग करवाने जा रहे हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन है, ब्लैक बक क्या है दोस्तों? ब्लैक बक एक डियर है, ऑप्शन बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, घड़ियाल क्या है? घड़ियाल इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो घड़ियाल एक तरह का क्रोकोडाइल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 देखिए, ब्लैक इज वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन बर्ड्स। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इससे इस ऑप्शन से इलिमिनेट करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इज राइट। द ग्रेट इंडियन वस्टर्ड इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगोलिन्स किस पे फीड्स करता है दोस्तों? आंट्स पे, ठीक है, चीटी होता है आंट्स, मतलब पेंगोलिन इस पे फीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, मेनी विल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण बहुत सारे विल्ड प्लांट और एनिमल जो होता है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, द मोस्ट इंडेंजर्ड इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड इकोसिस्टम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इंडेंजर्ड इकोसिस्टम ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इवर ग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। 159 क्वेश्चन देखिए, इरविकुलम नेशनल पार्क कंजर्व, इरविकुलम नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा किसे कंजर्व किया जाता है? इसे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो नीलगिरी तहर को इरविकुलम नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, ऑलरेडी पार्ट 3 में करवा दिया गया था, देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन वीवीआई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज इन, आपसे पूछ रहा है अगस्त्य मलाई मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय एक शीटू कंजर्वेशन, एक शीटू इन सीटू का कॉन्सेप्ट आप राहुल सर का जो लेक्चर मास्टर वीडियो है और उससे पहले लेक्चर नंबर सेकेंड थर्ड वहां पे देख सकते हो, उन्होंने एक सीटू इन सीटू के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय एक सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन से आप लोग क्या समझते हैं। एक सीटू कंजर्वेशन होता है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट्स के बाहर जो कंजर्वेशन किया जाता है स्पीसीज को, इसी को हम लोग एक सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ एनिमल डिस्टर्ब, एनिमल को किल करने में, एनिमल को आप लोग जीव जंतु को मारेंगे तो क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बीच कंस्टिट्यूट ग्रीन बेंच, आपसे पूछा जा रहा है वो स्टेट का नाम बताएं जिसमें ग्रीन बेंच पाया जाता है, कंस्टिट्यूट करता है ग्रीन बेंच, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु राइट हो जाएगा, तमिलनाडु जो स्टेट विच कंस्टिट्यूट ग्रीन बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी के बारे में पूछ रहा है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड ऑन सितंबर 26, ध्यान दीजिएगा सितंबर 26 की बात हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 1987 में फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 166 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, नेम द इंडेंजर्ड एनिमल विच इज प्रोटेक्टेड इन राजमलाई नेशनल पार्क, आपसे पूछा जा रहा है राजा मलाई नेशनल पार्क में कौन सा इंडेंजर्ड एनिमल को प्रोटेक्ट किया किया जा रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो नीलगिरी तहर, अभी डिस्कस किए दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, एनिमल्स एंड प्लांट्स और बीस्ट प्रोटेक्टेड इन, एनिमल्स और प्लांट्स बीस्ट प्रोटेक्टेड इन कहां पे सबसे ज्यादा उसका प्रोटेक्शन बेस्ट तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो नेशनल पार्क में एनिमल्स और प्लांट्स को बेस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट टिक फॉरेस्ट वाज प्लांटेड इन 1842 इन केरला, आइडेंटिफाइड द प्लेस, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट टिक फॉरेस्ट 1842 में केरला में प्लांटेड किया गया था, ठीक है। तो आपको पैलेसेस की बात, पैलेस की नाम बताना है कि केरला के कौन सा पैलेस में वर्ल्ड फर्स्ट टिक फॉरेस्ट प्लांट किया गया था, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो नीलांबर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 देखें, द नेटिव प्लेस ऑफ रेड वुड ट्री, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेटिव प्लेस रेड वुड ट्री का नेटिव प्लेस आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इज अ नेटिव प्लेस ऑफ रेडवुड ट्री, आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 170 क्वेश्चन देखिए, गंगा एक्शन प्लान इन इंडिया वॉज लॉन्च इन द ईयर, आपसे पूछ रहा है गंगा एक्शन प्लान इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, आपसे साल पूछ रहा है कौन सा साल लॉन्च किया गया था, इसका करेक्ट आंसर की बात करें 1985 में, 1985 में गंगा एक्शन प्लान इंडिया में लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन बीवीआई होना चाहिए, ये क्वेश्चन आरआरबी द्वारा अक्सर टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी फ्रेम्ड इन रियो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों एजेंडा 21 में इस एक्ट को, इस एक्शन प्लान को देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड का इंटेंसिटी का मेजरमेंट का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर बात करें डेसिबल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन बी इज राइट। ध्यान दीजिएगा, एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का इनरिचमेंट हो जाता है तो इसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड न्यूक्लियर एक्सीडेंट
हैपन टू डेट इट इज ऑकर्ड एट, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो चेर्नोबिल इन 1986 में चेर्नोबिल में सबसे वोस्ट न्यूक्लियर, ध्यान दीजिएगा वोस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट पूछा जा रहा है, वोस्ट यहां ध्यान दीजिएगा वोस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट हैपन टू डेट ऑकर्ड एट, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो चेर्नोबिल इन 1986। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं बर्ल्ड बोल दिया था, वोस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट की बात हो रहा है। मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज ड्यू टू बीच केमिकल, आपसे पूछ रहा है कि ओजोन डिप्लेशन जो हो रहा है उसका मेजर कॉज कौन सा केमिकल द्वारा पूछ रहा है, आपसे केमिकल का नाम पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कार्बन के कारण ओजोन डिप्लेशन दिखा जा रहा है, इसका मात्रा ज्यादा होने के कारण ओजोन लेयर डिप्लेट कर रहा है, यानी ओजोन डिप्लेशन देखा जा रहा है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 देखें, द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस बाई 5% 2012 में एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था दोस्तों, इसका मकसद था ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना बाई 5%। ठीक है इसका करेक्ट आंसर की बात करें, आपसे पूछ रहा है कौन सा प्रोटोकॉल में ये चीज को लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस को 5% कम करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी इज राइट, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोबिंग एनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी, निम्न बीच ऑफ द फ्लोबिंग एनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी, इसमें से कौन सा है जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, यानी क्रॉप रोटेशन आप कीजिएगा तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेनाइजेशन इज, सेलेनाइजेशन का मतलब से आप लोग क्या समझते हैं, सेलेनाइजेशन होता है एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट इन सॉइल, अगर साल्ट का मात्रा सॉइल में बढ़ जाता है तो उसे हम लोग सेलेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वॉयल स्लिक, वॉयल स्लिक का मतलब से आप लोग क्या समझते हैं, दिस क्वेश्चन इज वीवीआई लगा लें, इसे याद रखिएगा, वॉयल स्लिक होता है दोस्तों थिन फिल्म ऑफ वॉयल इन सी वाटर, सी वाटर जो सी का पानी होता है उसमें एक पतला लेयर हो जाता है वॉयल का, उसी को हम लोग वॉयल स्लिक कहते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट स्मोकिंग एक्सपोजर वन टू, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट स्मोकिंग में एक्सपोज होता है दोस्तों, ठीक है सिगरेट स्मोकिंग एक्सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होल का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, ओजोन होल इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर टूटने के कारण ओजोन में होल हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 182 क्वेश्चन देखे, यूरो सेकेंड स्टैंडर्ड क्या रेफर करता है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट, लोअरिंग कार्बन कॉन्टेंट इन फ्यूल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा यूरो सेकेंड स्टैंडर्ड, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब रेगुलर ट्रेंड है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरो सेकेंड स्टैंडर्ड रिफर्स टू लोअरिंग कार्बन कॉन्टेंट इन द फ्यूल, फ्यूल में जो कार्बन का कॉन्टेंट था उसको लोअर करने का यूरो स्टैंडर्ड से प्रस्ताव पासित किया गया था। ठीक है यूरो सेकेंड से। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन 183 देखे, नॉइज क्या है, नॉइज एक तरह का दोस्तों अनडिजायरेबल अनवांटेड साउंड है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेम्पोरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, टेम्पोरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट के मतलब आप लोग क्या समझते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इज राइट, हेयरिंग लॉस ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज, ज्यादा नॉइज के कारण सुनने में प्रॉब्लम होना, यानी लॉस कर जाना, नहीं सुन पाना, मतलब ज्यादा लॉस के कारण आप ज्यादा नॉइज के कारण नहीं सुन पाए, सुनने में प्रॉब्लम होगा, कान खराब हो जाता है, ईयर वगैरह खराब हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पोरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एसिड किसका एग्जाम्पल है, एसिड एक तरह का कोरोसिव बेस्ड का एग्जाम्पल है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिड एक तरह का एग्जाम्पल है कोरोसिव बेस्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ एनवायरनमेंट में बी कॉल्ड एज,
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कोई भी एनवायरमेंट में अल्टरनेशन हो, अनफेवरेबल अल्टरनेशन की बात हो रहा है, तो वो एक तरह का पॉल्यूशन होता है। उस पॉल्यूशन को हम लोग दोस्तों एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 देखे। द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेज कंपाउंड बीच में नॉट बी नॉर्मली प्रेजेंट और इन एक्सेस एक्सेसिव कंसेंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। करेक्ट आंसर की बात करें एयर पॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों एयर पॉल्यूशन ए इज द राइट आंसर। इसका देखिए यहां पे क्या कर रहा है, द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस कंपाउंड बीच में नॉट बी नॉर्मली प्रेजेंट, क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता है सॉलिड लिक्विड गैस इन एक्सेसिव कंसेंट्रेशन, नॉर्मली वे में वो नहीं प्रेजेंट होता है सॉलिड लिक्विड गैस कंपाउंड बीच में नॉट बी नॉर्मली प्रेजेंट और इन एक्सेसिव एक्सेस कंसेंट्रेशन इन एटमोस्फेयर, इसे हम लोग क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन। ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल मूवमेंट दैट इज अफेक्टेड बाय एसिड रेन, हिस्टोरिकल मूवमेंट जो एसिड रेन के द्वारा इफेक्टेड हुआ है उस आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट आंसर इज ताजमहल। ताजमहल दोस्तों एसिड रेन के द्वारा इफेक्टेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, एसिड रेन कंटेन्स, एसिड रेन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है दोस्तों एसिड रेन में। 190, ऑर्गन इफेक्टेड बाय निमोनिया, निमोनिया के द्वारा कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंग्स दोस्तों निमोनिया के कारण इफेक्टेड हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट क्वेश्चन फॉर दिस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय मर्करी पॉइजनिंग इन जापान। ठीक है, मर्करी पॉइजनिंग इन जापान में जो हुआ था, मर्करी पॉइजनिंग उसके द्वारा कौन सा डिजीज वहां पे हुआ, डिजीज जो हुआ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात करें डी, मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर द बोस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर टूक प्लेस, बोस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर जहां पे प्लेस्ड हुआ टूक प्लेस हुआ था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर की बात करें चेर्नोबिल। ठीक है, चेर्नोबिल में बोस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर टूक प्लेस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरी कैन्योन इज फेमस फॉर, टोरी कैन्योन किस लिए फेमस है, वाइल्ड स्पाइलेज के कारण। ठीक है, वाइल्ड स्पाइलेज, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेटिक लाइफ इज डैमेज बाय, एक्वेटिक लाइफ जो दोस्तों होता है वो डैमेज क्यों होता है, थर्मल पॉल्यूशन के कारण एक्वेटिक एक्वेटिक लाइफ यानी वाटर में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो डैमेज हो रहे हैं ड्यू टू थर्मल पॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, मिनीमाटा डिजीज क्यों होता है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें मैरिन पॉल्यूशन के कारण मिनीमाटा डिजीज होता है, ऑप्शन सी इज राइट। 196 देखें, एसिड रेन मेनली रिजल्ट फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर की बात करें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण एसिड रेन होता है। 197 क्वेश्चन, ओजोन डिप्लीशन इज मोस्टली कॉज बाय, आपसे पूछा जा रहा है ओजोन डिप्लीशन मोस्टली किसके द्वारा होता है, CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन डिप्लीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD ऑफ रिवर वाटर इज फाउंड वेरी हाई, दिस मीन्स वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ रिवर वाटर इज फाउंड वेरी हाई, सबसे ज्यादा हाई पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, जब वाटर पॉल्यूटेड रहेगा तो वहां पे BOD हाई पाया जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, इज हाईली पॉल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 देखें, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, ऑप्शन ए इज राइट, GHGs के कारण, ऑप्शन ए इज राइट होगा 199 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा GHG का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, GHG होता है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 देखें, द डार्किनिंग ऑफ अ स्किन ड्यू टू आर्सेनिक पॉइजनिंग इज कॉल्ड, आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण स्किन क्या हो जाता है, काला हो जाता है दोस्तों, डार्क हो जाता है, ड्यू टू पूछ रहा है डिफ्यूज मेलोनोसिस के कारण डार्किनिंग ऑफ अ स्किन आपको देखने को मिलता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण डार्किनिंग ऑफ अ स्किन हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज मेलेनोसिस कहते हैं, ऑप्शन बी इज राइट, इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोन जिंक मैगनीज आर यूजुअली रेफर टू एज, ये से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ब्रोन जिंक मैगनीज को माइक्रो न्यूट्रिएंट, ध्यान दीजिए माइक्रो में बात कर रहा हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में रखा गया है ब्रोन जिंक मैगनीज को, ऑप्शन ए इज राइट। 202 क्वेश्चन देखें, इनसेनिरेशन ऑफ म्यूनिसिपल बेस्ड इन्वॉल्व, इनसेनिरेशन ऑफ म्यूनिसिपल बेस्ड इन्वॉल्व, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑक्सीडेशन। क्या वो इन्वॉल्व होता है दोस्तों, इनसेनिरेशन ऑफ म्यूनिसिपल बेस्ड में ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 देखें, द फेमस मिनीमाटा डिजीज इन जापान इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन फिशेज। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आया नहीं, मरकरी होगा। अभी मैं जिक्र किया हूँ इसी लेक्चर में, दो तीन क्वेश्चन पहले इस चीज को जिक्र किया गया था कि मरकरी का ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया था तो जापान में मिनीमाटा डिजीज देखने को मिला था। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको टारगेट दिया जाता है 500 प्लस लाइक का, इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक दें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जस्ट ही इस चैनल पे अपलोड हो रहा है, इसका दो लेक्चर और आएगा। साथ में आपको बता देना चाहता हूँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे जो भी स्टडी मटेरियल स्टडी इंडिया अड्डा टीम के द्वारा दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। कैसे ज्वाइन करना है आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, देख सकते हैं, प्रोसेस को फॉलो करके ज्वाइन करें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ था, उसे क्लिक करके ज्वाइन करें। और जो सीरियस स्टूडेंट हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा हो, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का कोशिश करें, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर होता हो उसका नोटिफिकेशन, पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।